हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको मेडिसिन देके पता लग ही गया होगा कि हम जानकारी देने वाले हैं डॉक्टर रेग्वेक 28 यानी 28 नंबर के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, जो कि डॉक्टर रेग्वेक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है। ड्रॉप्स में आता है, लिक्विड में आता है मेडिसिन। और इस पूरे वीडियो में हम बताएंगे कि ये मेडिसिन आप कब लें, यानी इसका इंडिकेशन क्या है, किस बीमारी में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन को कितना लेना है, कब तक लेना है। तो पूरी जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिसिन के लिंक दिए होते हैं कि कहां से आप मेडिसिन खरीद सकते हैं, तो वहां से आप मेडिसिन खरीद के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाम बताएंगे, मेडिसिन का नाम क्या है। डॉक्टर रेग्वेक है, ड्रॉप्स में आता है, 28 नंबर है और इस पे लिखा हुआ है डिस्मेनोरिया ड्रॉप्स, यानी कि पेनफुल पीरियड्स। तो अगर पेनफुल पीरियड्स होते हैं महिलाओं में, पीरियड्स के टाइम पे, महीने के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा, देखिए हल्का फुल्का दर्द होना नॉर्मल है क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसा है, मसल्स हैं, क्रैम्पिंग्स हैं तो पेन होता है। बट अगर आपको एक्सेसिव पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है या फिर इरेगुलरिटीज़ हैं, महीने में इरेगुलरिटीज़ हैं, पीरियड महीना कम आना, देर से आना, तो इस केसेस में आप ले सकते हैं। और इनको हम कहते हैं इंडिकेशन। जैसे हमने बात करी डिस्मेनोरिया, यानी कि पेनफुल पीरियड्स में आप ले सकते हैं, या फिर एबसेंट पीरियड्स, यानी अगर आपको पीरियड्स एबसेंट हो गए हैं, पीरियड्स नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी, जो अभी हमने बात करी इरेगुलरिटीज़ की, डिस्मेनोरिया दो मेन इंडिकेशन है इसके, तो इस प्रॉब्लम में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। फिर बात करते हैं हम इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है, मेडिसिन कॉम्बिनेशन और किस दवा का क्या काम है, बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप सिंगल मेडिसिन में बिलीव करते हैं, वैसे नॉर्मली हम सिंगल मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं, तो अपने केस के अकॉर्डिंगली आप सिंगल मेडिसिन भी ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, एक दो सिम्टम्स पेशेंट में क्लियर कट सिम्टम नहीं होते हैं, दो चार सिम्टम होते हैं, तो उनके बेसिस पे फिर दो चार मेडिसिन इनमें मिली हुई होती है और उस बेसिस पे आप फिर ये कॉम्बिनेशन यानी कि ड्रॉप फॉर्म में मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे इस मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है इस ड्रॉप्स में और किस मेडिसिन का क्या काम है। देखिए यहाँ पे लिखा होता है मेडिसिन कॉम्बिनेशन, तो एक एक करके बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएंगे एसिड एंड सल्फ्यूरिकम। देखिए इसमें एसिड सल्फ्यूरिकम मिली हुई है। एसिड सल्फ्यूरिकम हम तब देते हैं जब आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा बॉडी में से हीट निकलना और पसीना आना, बहुत गर्मी लगना और उसके साथ साथ कमजोरी, तो हम अलग से भी देते हैं सिंगल मेडिसिन जो कि इसमें ऑलरेडी मिली हुई है। उसके बाद इसमें आता है एस्कुलस। एस्कुलस एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो अगर मान लो आपको, जैसे मान लो कॉन्स्टिपेशन पाइल्स में भी हम नॉर्मली देते हैं, लेकिन आपका साथ ही साथ डिस्मेनोरिया पेनफुल पीरियड्स में भी देते हैं, स्पेशली अगर लेफ्ट साइडेड है, यानी बाहें पेट की तरफ लोअर एब्डोमेन में नीचे पेट के हिस्से में अगर दर्द होता है तो आप एस्कुलस यूज कर सकते हैं। क्रोकस इसमें मिला हुआ है। क्रोकस हम तब देते हैं जब आपको बहुत ज्यादा पीरियड्स होना और डार्क क्लॉटेड, यानी ब्लड अगर ब्लीडिंग अगर हो रही है तो बहुत गहरे रंग का, काले एक तरह से कह सकते हैं कि डार्क क्लॉटेड ब्लड अगर होता है तो फिर हम क्रोकस सेटाइवस देते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसमें ऑलरेडी मिली हुई है। फेरम फॉस है। फेरम फॉस अगर मान लो आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, उसके बाद अगर एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है, तो हम फेरम फॉस टॉनिक में भी देते हैं, अलग से मेडिसिन भी देते हैं और इसमें ऑलरेडी मिली हुई है। हेमामेलिस है। हेमामेलिस बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के केसेस में हम देते हैं। हेमामेलिस को वैसे नॉर्मली, जैसे मान लो नाक से ब्लड आना, मुंह से ब्लड आना, ब्लीडिंग के केसेस में अगर ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, ब्लड की ब्लीडिंग के लिए अगर मान लो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के लिए हेमामेलिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो अगर आपको लगता है आपको पॉलीमिनोरिया यानी डिस्मेनोरिया के साथ साथ अगर आपको पीरियड्स बहुत ज्यादा आते हैं, डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, तो उस केसेस में हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करती है, आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आता है इसमें सिकल कॉर है। सिकल कॉर एक ऐसी मेडिसिन है जो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखती है फ्लो को। तो अगर मान लो उसकी वजह से कुछ इरेगुलरिटीज हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हैं, तो बहुत अच्छा काम करती है, आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन विद इंडिकेशन है, यानी ये मेडिसिन इस तरीके से काम करती है और इनके कॉम्बिनेशन मिले हुए हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। और 28 है। फिर आता है कि इस मेडिसिन को लेना कैसे है, यानी डोजेज ऑफ मेडिसिन। देखिए ड्रॉप्स है, लिक्विड आपको लेके पता लग गया है। कोई भी ड्रॉप्स लिक्विड फॉर्म में अगर मेडिसिन होती है तो कोशिश करें आप उसको थोड़े से पानी में ले सकते हैं। जैसे मान लो ये 28 ड्रॉप्स है आपने, और डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम कितना है, क्या प्रॉब्लम है और कब से है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डोज आपको ज़्यादा लेनी होती है, दो या तीन बार लेनी होती है। डोज कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपका केस हिस्ट्री कितना पुराना है,
कितना ज़्यादा दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर। तो कोशिश कम से करें, पहले कम डोज स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे बढ़ा के धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। तो थोड़े से पानी में एक चौथाई कप पानी या 2-3 चम्मच पानी आपने लिया, उसमें आपने मेडिसिन का 10-15 ड्रॉप्स डाल दिया और वो आप मिक्स करके गुनगुने पानी में लीजिए, लूक वार्म वाटर, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, थोड़ा नॉर्मल पानी, उसमें उसको मिक्स करके दिन में 2-3 बार खाने से पहले आप ले सकते हैं। अगर आपको एमिनोरिया यानी पीरियड्स नहीं आते हैं तो ये मेडिसिन आपको लगातार 2-3 महीने यूज़ करनी पड़ सकती है, और अगर आपको डिसमिनोरिया यानी पेनफुल पीरियड्स हैं तो ये मेडिसिन आप पीरियड से पहले, जैसे मान लो आपके पीरियड्स आने हैं 2-3 दिन बाद, तो आप 2-3 दिन पहले ये मेडिसिन ले सकते हैं और पीरियड के टाइम पे इसका सिर्फ एक डोज यानी कम मेडिसिन लें, और इस तरीके से आपको जब जरूरत हो तभी ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी केस हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हो सकता है मेडिसिन आपको 2-3 महीने यूज़ करना पड़ सकता है। अपने केस के अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिसिन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ये मेडिसिन आप खरीद सकते हैं। जैसे ही आपको आराम पड़ जाए धीरे धीरे करके आप मेडिसिन कम कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियोज आपकी मदद कर सके, आप इन्हें लाइक करें, वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन घंटी दबाएं, अपडेटेड रहें, और वीडियोज की स्क्रीन पे भी अलग अलग वीडियोज डाले हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप उन पे भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप वीडियोस जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेक करते हैं उनके MRPs वगैरह दी हुई होती है, सारा डिस्क्रिप्शन होता है, बट अगर आप ऑनलाइन स्टोर से अगर आप लेते हैं तो देखिए हर एक मेडिसिन के ऊपर MRP लिखा होता है, ये हम स्किप करके बताना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 235 रुपीज़ है, 235 रुपये की ये मेडिसिन आती है, और 235, और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो थोड़ा और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती है आपको। आप अपने आसपास सिर्फ होम्योपैथिक फार्मेसी, सिर्फ होम्योपैथिक स्टोर पे ये मेडिसिन मिलती हैं, नॉर्मल फार्मेसी मेडिकल स्टोर पे ये मेडिसिन नहीं मिलती हैं। और मेडिसिन को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और फीडबैक भी मेडिसिन की दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।